वाह वाह वाह, बहुत खूब। अच्छा जी, क्या जबान तो लड़खड़ा रही है, हाथ पांव क्या काम करेंगे? अच्छा जी, ऐसा क्या? क्या वो शेर था जो तुम्हारे चाचा जी को बहुत पसंद था? गो हाथ को जुम्बिश नहीं, आंखों में तो दम है, रहने दो अभी सागर ओ मीना मेरे आगे। अगर तुम्हारे हाथ वहां तक नहीं पहुंचा है तो गिलास को तुम्हारे मुंह तक मैं पहुंचा देती हूँ। बहुत मजाक सूझ रहा है तुम्हें चाची। नहीं नहीं, मैं कैसे मजाक कर सकती हूँ जबकि तुम इतने संजीदा हो। बहुत तकलीफ हो रही होगी ना अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर। विवेक तुम्हें झिझोड़ा होगा ना। क्यों? मुझे मेरा विवेक क्यों तंग करेगा चाची? क्या कसूर किया मैंने? एक बेबस औरत पर इतनी बड़ी तोहमत लगाकर उसे घर से बाहर निकालने का फैसला कर लिया, इसमें बड़ा क्या कसूर हो सकता है? कोई और ही शब्द होगा ऐसी बेहुदा हरकत के लिए। चाची, आवाज धीमी कर। हाय रपा, क्या हुआ भाभी? कुछ नहीं, मैं रसोई जाके खाना गर्म कराती हूँ। अगर इंसाफ जैसे शब्द से वाकिफ हो तो अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ कैसे कौन से जुर्म की सजा देना चाहती हो उस फूल सी कोमल बच्ची को जो घर भर में चहकती फिरती थी और आज दुख दर्द की मूरत बनकर रह गई। चाची, चाहत तो मेरे दिल में भी कुछ कम नहीं है उस बच्ची के लिए। फूल की तरह खिल उठता था उसे देखकर, लेकिन लेकिन क्या? खानदान की इज्जत। खानदान की इज्जत का ठेका तुमने लिया हुआ इंद्रजीत, तुमने? अब कोई और फिक्र नहीं करेगा तो मुझे तो देखना ही होगा ना चाची। क्या कसूर है लिज का? इज्जत गवा क्या ये वो, कहीं बताना पड़ेगा तुम्हें। जिस बेबस मासूम औरत पर चार चार दरिंदे टूट पड़े वो क्या करेगी, क्या कर सकती है आया आसकी? अरे कूद जाती किसी कुएं में, लगा देती छलांग किसी नदी दरिया में, अगर रत्ती भर भी ख्याल होता अपनी इज्जत का। हमारे संस्कार तो यही कहते हैं चाची। अच्छा, संस्कार? पुरुष जाति के बनाए हुए नियमों का दूसरा नाम। अच्छा जरा ये तो बताओ कि वो पुरुष क्या कूद जाता है किसी कुएं में, क्या जान दे देता है किसी नदिया दरिया में? जो करता है जो तुमने किया था। क्या किया था? नहीं नहीं, मैं नहीं मान सकती कि तुम्हारी याददाश्त इतनी कमजोर हो गई। क्या तुम भूल गए मेरी उस कजन को जो कनाडा से यहाँ आई थी कल्पना की शादी अटेंड करने? नहीं, कॉम्प्लीमेंट्स देने आया था आपको। क्या क्या खूब गाती हैं आप। कॉम्प्लीमेंट्स भी दिया तो भी कंजूसी से। आपको सिर्फ मेरा गाना ही अच्छा लगा और कुछ? अरे वो दरअसल अच्छा तो अब कोई नहीं जानता कि क्या हुआ था। दुरुस्त है चाची, दुरुस्त है। कमजोरी में पड़कर मैं कुछ ऐसा कर बैठा जो ठीक नहीं था, लेकिन न जाने क्या था उस नली में। मैं रीझ सा गया और चाची मैंने पी भी रखी थी। वाह वाह, क्या खूब! तुम कुछ रीझ से गए, तुमने कुछ पी रखी थी, इसलिए सब कुछ जस्टिफाइड। एक बेबस औरत जिसके साथ जबरदस्ती की गई वो अपनी इज्जत लुटा कर आई है। देखो चाची, तुम लिज की वकालत ना ही करो तो अच्छा है। तुम्हें कोई जवाब नहीं सूझा इसलिए मैं वकील बन गई।
ठीक है, सुन लो मेरा जवाब चाची, कान खोल कर सुन लो मेरा जवाब, मेरा फैसला अटल है। नहीं, किलिज यहाँ नहीं रहेगी। जो भी समझो। तो तुम रहो अपने घर के इस हिस्से में जो तुम्हारा है, किलिज मेरे साथ घर के मेरे हिस्से में रहेगी। घर का बंटवारा होगा। अरे रंजना, क्या हुआ? दीदी, वो भैया। ओह, तुम अतुल को लेके परेशान हो रही हो। हाँ दीदी, परेशानी तो होगी ही ना, काफी देर हो चुकी है भैया को जाकर, अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। तुम फिजूल में परेशान हो रही हो, किसी छोटे मोटे काम से थोड़ी गए हैं, अच्छा खासा मिशन है जिसपे गए हैं तुम्हारे भैया। हाँ, मिशन। रंजना, क्यों परेशान हो? कैन आई बी ऑफ एनी हेल्प? दीदी, न जाने आप में ऐसा क्या है, आपको देखकर कॉन्फिडेंस आ जाता है, दिल की हर एक बात बताने को जी करता है। सिवाय दिनेश के बारे में है ना? नहीं नहीं, मैं मजाक कर रही थी। अच्छा बताओ, क्या परेशानी है तुम्हारी? दीदी, अच्छा खासा परिवार है हमारा, बस एक जमीन के टुकड़े को लेकर सब परेशान है। अतुल भैया भी उसी चक्कर में है, और दिलीप ने जिस पर भरोसा किया वो धोखेबाज निकला, उसी चक्कर में दिलीप भी लापता है, और फिर लिज भाभी। क्या हुआ उसे? नहीं जमीन का झगड़ा होता और ना ही कोई उन्हें अगवा करता, बड़ी मुश्किल से उन लोगों के चंगुल से निकली ही थी कि कुछ गुंडों ने उसका रेप कर दिया। अब सुना है कि घर आ गई है, एक और कलेश पड़ गया है घर में, ना ये जमीन होती ना झगड़ा होता और ना ही। मैं देखती हूँ। हेलो। हेलो रंजना। मामा, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अतुल कहाँ है? दिलीपा कहाँ है? जो जहाँ भी हैं उन सब से कहो सब काम छोड़कर यहाँ आ जाएं, और तुम भी आ जाओ। सब खैरियत तो है मामा। घर का बंटवारा होना है, सब लोग यहाँ आ जाएं ताकि फैसला हो जाए कि किस किस के हिस्से में कौन कौन सा भाग आएगा। मामा एक सेकंड, मुझे दो। हेलो। हाँ रंजू, यू डोंट वरी, ओके, मम्मी को मैं संभालूंगी। बाय। मामा, क्या हो गया आपको? संभालिए अपने आप को। सब ठीक तो है ना वहाँ? हाँ दीदी, ठीक ही है। हेलो। हाँ, जस्ट अ मिनट, नर्सिंग होम से फोन है। हेलो डॉक्टर, वो मिसेस चौहान आ गई हैं। ठीक है, मैं आती हूँ। ठीक है रंजना। तुसीं बहुत ना सोचो चाची जी, बंटवारा तो घर का होगा ही। ठीक है मम्मा, अगर होना है तो हो जाएगा, आप दवाई लीजिए, आराम कीजिए थोड़ी देर। ठीक है। लिजो रंजीत। हाँ मम्मा, देखिए उनको मैं संभाल लूंगी, ओके, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, पढ़ा लिखा है रंजीत, मॉडर्न है, मैं समझाऊंगी, जरूर समझ जाएगा। हुँ? है तो इंद्रजीत का भाई ही ना। कल्पना दीदी चाय रख के गई थी, ठंडी हो रही। कोई बात नहीं, प्लीज।
thanks a lot for making me realize that I've not become completely untouchable for you. और तुम्हारा धर्म भ्रष्ट नहीं हो गया मुझे छूने से. मैं क्या बताऊं दीदी, अब तक दिनेश को ये बता नहीं पाई हूँ कि मैं उसके आगे शादी का प्रस्ताव रखते रखते क्यों रुक गई. हीरा दीदी मुझे एग्जामिन कर चुकी है और वो ये भी जान चुकी है कि मैं अब कभी माँ नहीं बन सकती. लेकिन पता नहीं वो इस बारे में मुझसे कोई डिस्कशन नहीं करना चाहती है, वो इस बात को अवॉइड कर रही है. एनीवे रखती हूँ. ठीक कह रही हो रंजना, मैं अवॉइड ही कर रही थी. लेकिन बात को आखिर कब तक टाला जा सकता है? मसला गंभीर है एंड इट कंसर्न्स माय ब्रदर. भाई पति पत्नी हो तुम दोनों, आखिर ये साइलेंस की दीवार कब तक बनी रहेगी दोनों के बीच? दीदी वो जानती हो लिस के साथ जो कुछ भी हुआ है उसने हिला के रख दिया है तुम दोनों को. एक नहीं कई पहलू आकर खड़े हो गए होंगे तुम दोनों के सामने. बट माई डियर्स यू हैव टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. जानो पहचानो एक दूसरे को फिर से. और इसीलिए तुझे याद है लिस, जब रंजीत अमेरिका से आया था तो रंजू ने तुझसे क्या कहा था? कि एक और हनीमून के लिए तैयार हो जाओ. बस मैंने वो इंतजाम कर दिया है, टैक्सी मैंने बुक कर दी है और नैनीताल में अपर्णा से भी कह दिया है कि तुम दोनों उसी के साथ रहोगे 3-4 दिन सैर सपाटे के लिए. एंड दैट नाउ इज फाइनल. ओके चीयर अप. इसमें कोई शक नहीं कि दिनेश को बच्चों से बहुत प्यार है, लेकिन प्यार तो वो तुमसे भी बहुत करता है और तुम उससे. अगर तुमने उससे शादी नहीं की ना रंजना, तो वो जिंदगी भर शादी नहीं करेगा और शायद तुम भी. लेकिन दीदी मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि बच्चे के बगैर दिनेश हमारी शादी को अधूरा मानेगा. मेरी एक पेशेंट हैं मिसेस चौहान, अभी अभी उनसे मिल के आ रही हूँ. वो कभी माँ नहीं बन सकती. इत्तेफाक से उनकी सिस्टर इन लॉ का भी बलात्कार हुआ था, जो मेरी पेशेंट है. उसने अपने पति की मर्जी के खिलाफ एक अनचाहे बच्चे को जन्म दिया है. मैं तो मिसेस चौहान को ये सजेस्ट कर रही हूँ कि वो उस बच्चे को अडॉप्ट कर लें. तुम लोग भी तो किसी बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हो. अगर लेज दीदी, अगर मुझे ये हिंट दिया जा रहा है कि लिस भाभी, कोई और बात कीजिए प्लीज. पाजी, लिस और मैं नैनीताल जा रहे हैं, तो चाहे हम साथ रहें चाहे तलाक का फैसला करें, दोनों सूरतों में अमेरिका जाने से पहले एक बार यहां आकर रहेंगे जरूर, कम से कम मुकदमे की अगली सुनवाई तक. हाँ लेकिन रहेंगे घर के उस पोर्शन में जो बंटवारे के बाद मेरे हिस्से में आएगा. चलता हूं पाजी. तुम्हें जाके पैर छू नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है.